आज है संडे और इस खास मौके पर बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाएं जो टॉप 5 पर रही। पिछले कुछ समय से कुछ बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाएं इस लिस्ट में अपनी पकड़ बनाए हुए थी, लेकिन अब उनकी जगह कुछ नए एक्ट्रेस ने ले ली है। इस लिस्ट को कैसे तैयार किया जाता है? जिस एक्ट्रेस को सबसे ज्यादा लाइक मिलते हैं उन्हें संडे के हॉटस्पॉट में लाया जाता है, और अगर उनके लाइक कम होते हैं तो उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाता है। इससे क्या फायदा होता है? जो भी एक्ट्रेस इस लिस्ट में शामिल होती है उन्हें एक फिल्म मिल जाता है, लेकिन ये बेहद ही गोपनीय तरीके से होता है क्योंकि इससे टैलेंट को बढ़ावा मिलता है। सबसे पहले नंबर पर थी जाह्नवी कपूर, जो अब इस लिस्ट से बाहर हो चुकी है, और उनकी जगह पहले नंबर पर आई है भूमि पेंडेकर। ये भारत में अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर है और इन्होंने कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। हालांकि इस लिस्ट में कोई भी विदेशी एक्ट्रेस को नहीं रखा जाता क्योंकि विदेशी एक्ट्रेस भारत की एक्ट्रेस से ज्यादा खूबसूरत होती है और उनमें ज्यादा टैलेंट भी होता है। इस वजह से सिर्फ भारतीय एक्ट्रेस को रखा जाता है। दूसरी नंबर पर है प्रियंका चोपड़ा, जिनकी एक्टिंग की चर्चे हॉलीवुड तक है, और इन्होंने फिलहाल व्हाइट टाइगर जैसी प्रेरणादायक फिल्म दी है जिससे भारत का नाम काफी ऊपर उठ गया, जिस वजह से प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में अपनी नाम बना पाई। और अब तीसरे नंबर पर है दिशा पट्टानी, इनकी एक्टिंग बिल्कुल बकवास है, लेकिन एक स्ट्रगल एक्ट्रेस की वजह से लिस्ट में शामिल हो गई क्योंकि इनके बैकग्राउंड में कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है। ये यहाँ तक अपने दम पर पहुँची है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इनकी सारी फिल्में फालतू होती है, लेकिन इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। चौथे नंबर पर है उर्फी जावेद जामताड़ा, ज्ञान में इनकी एक्टिंग बिल्कुल लाजवाब थी, ये काफी कोशिश कर रही है, इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है, इस वजह से इन्हें लिस्ट में शामिल किया गया। और अब बारी है सबसे लास्ट नंबर की, तो इस लिस्ट में है नोरा फतेही, अपने डांस के लिए फेमस और हर भारतीय की एक ही पसंद। नोरा फतेही, इनका डांस हमेशा न्यूड होता है। हाल ही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से अफेयर की अफवाह फैली थी, लेकिन अब तक इस बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला है, जिससे किसी को ब्लेम करना अच्छी बात नहीं है। नोरा की एक्टिंग बिल्कुल बकवास होती है, लेकिन नोरा इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। अब इस लिस्ट में शामिल लोगों को 6 दिन के अंदर एक फिल्म दी जाएगी, लेकिन गोपनीय तरीके से, वरना लोग इस लिस्ट में शामिल होने के लिए गलत तरीके अपनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नायका का लिंक दिया हुआ है, अगर आप इसे कोई भी चीज खरीदते हैं तो आपको 50% छूट मिलेगी। धन्यवाद।